हेलो एवरीवन, मैं हूं जगनरन और स्वागत है आपका क्लास टू प्लस यूट्यूब चैनल में। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग 24th और 25 अप्रैल के पेपर से जो न्यूज हैं वो उसको देखेंगे। तो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज है 28th अप्रैल और 28th अप्रैल को एवरी डे वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये डे मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है 1919 में क्रिएट किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, इसका काम क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे। इट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूट विच फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिज एस्टैब्लिश ऑन 11th अप्रैल 1919 एज द ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द लीग ऑफ नेशन। देखिए, ये फर्स्ट में 11 अप्रैल 1999 को बनाया गया था और ये एक तरह की ट्रीटी थी जिसके तहत इसे बनाया गया। ठीक है, लेकिन अभी इसमें 187 कंट्रीज हैं। ठीक है, जिसमें 186 है जो आउट ऑफ 193 मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन में टोटल 193 स्टेट है जिसमें 186 अभी रजिस्टर्ड हैं, प्लस कुक आइलैंड्स आर मेंबर ऑफ ILO। कुक आइलैंड्स भी हैं, कुछ मेंबर्स नहीं है यूनाइटेड नेशन के इसमें। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए, एंड्रोरा, भूटान, लिंचिस्तान, माइक्रोनेशिया, मोनाको, नोरू एंड नॉर्थ कोरिया। ये सभी स्टेट जो कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन में लिस्टेड हैं, बट ये ILO के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको क्यों अब मनाया जाता है इसके बारे में जान लीजिए। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये 28 अप्रैल को प्रमोट किया जाता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट एंड डिजीज ग्लोबली। इट इज एन अवेयरनेस कैंपेन इंटेंड टू फोकस इंटरनेशनल अटेंशन ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम एंड हाउ प्रमोटिंग एंड क्रिएटिंग अ सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर कैन हेल्प रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड डेथ एंड इंजरी। देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, ये हमेशा आपको प्रमोट करता है कि कैसे आपको सेफ्टी देना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस जो होते हैं वो सब चीज़ें के ऊपर ध्यान रखता है। इसके अलावा कई सारे ट्रीटी जो हैं जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साइन किए गए हैं कि आपको जैसे वर्किंग आवर्स कितना होना चाहिए इसके ऊपर भी बात होती है। ठीक है, तो वर्किंग आवर्स जैसे है कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि आप पर डे एवरी डे 8 आवर्स पर डे वर्क कर सकते हैं और 48 आवर्स इन अ वीक एक सप्ताह में क्या कर सकते हैं 48 आवर्स या फिर पर डे 8 आवर्स। ठीक है, उसके बाद है वुमेन मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी एट वर्क, वुमेन्स एट वर्क। तो यदि कोई वुमेन काम कर रही हैं तो उनके लिए क्या रूल्स हैं इसके ऊपर भी काम करता है। जैसे आप लोगों को देखते होंगे वर्क प्लेस पे मैटरनिटी लीव मिलता है। ठीक है, तो वो मैटरनिटी लीव का रूल्स है कि पहले और बाद में कितना लीव मिल सकता है। ठीक है, आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड और बिफोर बर्थ ऑफ चाइल्ड कितना लीव मिल सकता है, ये भी इस रूल इसके अंडर में आता है। और भी बहुत सारे रूल्स हैं जैसे चाइल्ड लेबर, जैसे आप लोग चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ते हैं तो चाइल्ड लेबर के भी रूल्स हैं कि चाइल्ड कोई बच्चा यदि काम कर रहा है तो उसका एज कितना होना चाहिए, मिनिमम एज क्या होना चाहिए, ये भी इसके अंदर है। तो इस तरह से बहुत सारे रूल्स जो है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है। अब देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके डायरेक्टर जो है गाइडाइडर CBE हैं। ओके, आइए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो पहला आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मच मोर अमाउंट वुड चाइना डोनेट टू WHO? WHO को चाइना और कितने अमाउंट देगा? ऑप्शन है $20 मिलियन, $30 मिलियन, $25 मिलियन, $40 मिलियन और $35 मिलियन। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है $30 मिलियन। ये चाइना ने ये तब डिसीजन लिया जब यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने क्या किया कि WHO को फंडिंग करना फ्रीज कर दिया, बंद कर दिया। तो उसके बाद चाइना ने ये डिसीजन लिया है। ठीक है,
तो देखिए क्या हुआ कि बीच देखिए, तो ये जो इन्होंने लिया है, तो ये इन्होंने बोला है कि ये 1 बिलियन फंड हो जाएगा, जिससे वो क्या होगा कि आसानी से कोरोना वायरस के पेंडेमिक में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, यही सब चीजें हैं और आगे देखते हैं। जिससे और भी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब फ्रीज किया था तो उन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने डिस इन्फेक्शन को चाइना को प्रमोट किया, प्रमोटिंग चाइना डिस इन्फॉर्मेशन, चाइना से जो डिस इन्फॉर्मेशन हुआ उसको इन्होंने प्रमोट किया, इसीलिए इन्होंने बंद कर दिया था। तो इसलिए ये चाइना ने क्या किया है कि 30 मिलियन डॉलर देने का अनाउंस किया है कि हम WHO को और देंगे, ताकि इस पेंडेमिक में वो लड़ सके और हेल्प कर सके पूरे वर्ल्ड को। योनि पूजा इज वन ऑफ द मोस्ट जेनरस फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए योनि पूजा जो है एक किसी एक राज्य का सबसे फेमस फेस्टिवल है, त्योहार है, और कौन से स्टेट में मनाया जाता है ये बताना है। ऑप्शंस है कर्नाटका, सिक्किम, केरला, असम, आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है असम। असम में ये मनाया जाता है एवरी ईयर। देखिए ये एवरी ईयर योनि पूजा जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है कामाख्या टेम्पल में, कामाख्या माता का टेम्पल है वहां पे मनाया जाता है। ये जो है नीलांचल हिल्स के टॉप पे स्थित है ये मंदिर। ठीक है, और इसका जो नॉर्दर्न फेस है, इस हिल का जो नॉर्दर्न फेस है वो ब्रह्मपुत्र नेबर में जाके गिरता है। ठीक है, अब बोला गया है कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो बनाया गया था वो जो राक्षसों के राजा थे नरकासुर, इनके द्वारा ये बनाया गया था नीलांचल हिल। ठीक है, तो एक कई सारी चीजें यहाँ से आपको पता चल जाएगी। एक तो आपको पूछा जाएगा कि योनि पूजा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन आंसर है असम। यदि पूछा जाए कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे, असम में। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो कौन सी नदी, ये जो नदी है कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, तो असम से होकर गुजरती है। नीलांचल हिल जो है ये पर्वतमाला कहाँ पे है, तो ये भी असम में है। तो इस तरह से आप कई सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कर सकते हैं। और देखते हैं इसमें क्या है। देखिए कामाख्या जो है ये इसको एक शक्तिपीठ की तरह देखा जाता है। 51 शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ है, वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ, यानी 51 शक्तिपीठ में से एक ये भी है। ठीक है, इसे हम लोग बहुत ही पवित्र जगह मानते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये ऐसा कहा जाता है कि जब माता सीता जो थी उन्होंने क्या किया था कि जब ये सती के पार्ट में इस जब इन्होंने इनके जो एक बॉडी पार्ट है योनि, ये यहाँ पे गिर गया था, जिसको ये लोग फेस्टिवल महाकौन मैचुरेशन ऑफ गॉडेज। तो ये जो फेस्टिवल है क्यों मनाया जाता है इसके बारे में है। देखिए तो टेम्पल सैंक्टम हाउसेस ऑफ योनि फीमेल्स जेनिटल सिंबलाइज बाई अ रॉक, एक रॉक के द्वारा इसे सिंबलाइज किया गया है। ये फेस्टिवल जो है मार्क्स द मैस्टरबेशन ऑफ द गॉडेज। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। अब आपको कुछ ये और याद रखनी है, जैसे असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आप बता सकते हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं, और यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। ओके, और असम की जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, दिसपुर में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच अमाउंट RBI रिसीव्ड इन द फर्स्ट ऑक्शन ऑफ द सेकेंड ट्रेंच ऑफ RBI टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन 2.0, विच वेयर मीन फॉर लिक्विडिटी सपोर्ट टू नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज। देखिए RBI ने हाल ही में क्या किया कि ऑक्शन किया लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का इन्होंने, तो इसमें इन्होंने इनको कितने करोड़ रुपीज इस ऑक्शन में रिसीव हुए ये बताना है आपको। ऑप्शन है 25,000 करोड़, 12,850 करोड़, 10,000 करोड़, 15,850 करोड़ और नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा होगा देखते हैं। इसका देखिए करेक्ट आंसर है 12,850 करोड़। देखिए RBI ने रिसेंटली क्या किया कि इन्होंने एक टूल से इन्वेंट किया, जैसे इन्होंने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कट ना करके थोड़ा सा कट किया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, इसके थ्रू इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे मार्केट में लिक्विडिटी लाएंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने टूल्स लॉन्च किया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया। तो ये टूल इंट्रोड्यूस किया, तो इन्होंने क्या किया जब ऑक्शन किया, तो ऑक्शन में क्या हुआ, डिप्लॉयड इन
ठीक है, ऑक्शन में क्या किया कि ऑक्शन जब किया तो इनका जो टारगेट था वो था कि 25,000 करोड़ मिनिमम तो आएंगे, 25,000 करोड़ आएंगे, लेकिन इस टारगेट 25,000 करोड़ ना आके कितना आया, 15,850 करोड़ आया। ठीक है, जो कि लगभग 50% है, अप्रॉक्स देखें तो 50% ही ऑक्शन में, ऑक्शन से इनको मतलब लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर पाए, ज्यादा ये रिसीव नहीं कर पाए मनी। ओके, तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि फंड्स इस जो ऑक्शन में जो फंड्स आए हैं, ठीक है, डिप्लॉयड इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में इसे यूज किया जाएगा, और इसका जो 50% यानी 12,850 करोड़ का, यानी आप बोल सकते हैं 6,425 करोड़, 6,425 करोड़ लगभग इतना अमाउंट ये बोले हैं कि इसे कहाँ दिया जाएगा, डिप्लॉयड इन स्मॉल एंड मिड साइज एनबीएफसी, स्मॉल और मिड साइज एनबीएफसी को दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हु हैज बीन नेम्ड एज आईपीएल गोट GOAT कैप्टन बाय स्टार स्पोर्ट्स जूरी। ऑप्शन है MS धोनी, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, डेविड वार्नर एंड एडम गिलक्रिस्ट। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, करेक्ट आंसर है MS धोनी। MS धोनी को बोला गया है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, GOAT का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैप्टन। ठीक है, इसके इसके ये इस नाम से इन्हें बुलाया गया है। ठीक है, और इनको क्यों बुलाया गया, इन्होंने 3 बार चेन्नई सुपर किंग के लिए इन्होंने कैप्टनशिप किया है, और ये स्टार स्पोर्ट जूरी द्वारा किया गया है, 13th एनिवर्सरी ऑफ द प्रीमियर लीग ऑफ द लीग। ठीक है, इनको इसमें जो परसेंटेज मिले, इन्होंने बोला है कि इन्होंने लगभग 60% मैचेस में इन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है, जो कि रोहित शर्मा से थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं, जिन्होंने 4 बार, आप बोल देख सकते हैं कि 4 बार मुंबई इंडियंस ने आईपीएल जीता है। आगे आते हैं, वन ऑफ द बांग्लादेश प्लेयर हैज ऑक्शन हिज बैट एंड रेज्ड एन अमाउंट ऑफ 24,000 डॉलर फॉर कंट्री कोरोना वायरस कैंपेन। ठीक है, एक बांग्लादेश के प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी बैट को ऑक्शन किया और 24,000 डॉलर COVID-19 कोरोना वायरस कैंपेन के लिए इन्होंने कलेक्ट किया। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम ऑप्शंस है तमीम इकबाल, मुस्तफिजुर रहमान, मिमुल हक, सकीब अल हसन और मशरफ मुर्तजा। ठीक है, तो आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है सकीब अल हसन। सकीब अल हसन ने क्या किया, अपनी बैट को 24,000 डॉलर में ऑक्शन कर दिया। इन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में 606 रन इसी बैट से बनाया था, तो और इसका ऑक्शन इन्होंने किया, ऑनलाइन ऑक्शन किया। जो जो इसके बीडर्स हैं जिन्होंने इस ऑक्शन को जीता, वो है न्यूयॉर्क के बेस्ड बांग्लादेशी हैं जो न्यूयॉर्क में रहते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लॉकडाउन लर्नर सीरीज वॉज लॉन्च बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। लॉकडाउन लर्नर सीरीज इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिया में, UNODE के द्वारा, WHO के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, ILO के द्वारा और नन ऑफ दीज। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, करेक्ट आंसर है UNODE। देखिए, यूनाइटेड नेशन, UNODC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। इन्होंने क्या किया, एक लॉकडाउन लर्नर सीरीज लॉन्च किया है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है टू एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव। इट हैज लॉन्च लॉकडाउन लर्नर सीरीज ऑफ ऑनलाइन डायलॉग विद एजुकेटर एंड स्टूडेंट ऑफ इंडिया। भारत में जो भी एजुकेटर्स हैं और स्टूडेंट हैं उनके लिए है। द लॉकडाउन लर्नर सीरीज एम्फेसाइज COVID-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पीस एंड रूल्स ऑफ द लॉ। ठीक है, कि कैसे आपको ये सब कैसे ये सब प्रभावित होते हैं, ये सब देखना है इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के जो डायरेक्टर हैं वो हैं गादा फाती वाली, और WHO के डायरेक्टर जो हैं वो है टेड्रोस एधानम, CEO है यूनिसेफ के हेनरिएटा एच फोरे, और डायरेक्टर है जनरल हैं ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, गाइड आइडर CBE। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज स्टार्टेड सर्व द सीनियर इनिशिएटिव
हेल्पलाइन नंबर। ऑप्शंस हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने, किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन नंबर का शुरुआत किया है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, केरला, महाराष्ट्र। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी JKSLSLSA इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है सर्व द सीनियर इनिशिएटिव। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि इससे इसमें जो भी आपके सीनियर सिटीजन है जो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं कई सारी चीज़ों के लिए, जैसे मेडिसिन के लिए या ग्रॉसरी के लिए, तो उनके लिए ये सर्विसेज चालू की गई हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ के जो कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं नोडल ऑफिसर से लेकर उनका नंबर वहाँ पे दिया गया है ताकि वे लोग इस पे कॉल करके और सर्विसेज ले सकें। ओके, अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। देखिए यूनियन टेरिटरी में हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं और स्टेट में गवर्नर्स होते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रिसेंटली MS मिसेस उषा गांगुली पास्ट अवे, सी वॉज अ फेमस, वो क्या किस वो एक प्रसिद्ध क्या थी ये बताना है। सोशल एक्टिविस्ट थी, पॉलिटिशियन थी, साइंटिस्ट थी, एक्टर थी, बिजनेस वुमेन थी। इसका करेक्ट आंसर है एक्टर थी। देखिए एमिनेम थेस्पियन का मतलब होता है नाटककार, ठीक है। तो उषा गांगुली जो थी एक नाटककार थी, ये इनका हाल ही में देहांत हो गया। इन्होंने इसके अलावा इन्होंने डायरेक्टर का भी काम किया, एक्टर्स का भी काम किया, एक्टिविस्ट का भी काम किया है। इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिला गया है फॉर डायरेक्शन इन 1998 में इनकी इन्होंने डायरेक्शन का काम किया था। संदीप नाटक एकेडमी अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। इसी हैज ऑल्सो बीन ऑनर्ड बाई वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एज द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर प्लेइंग गुड़िया घर। देखिए गुड़िया घर एक तरह का नाटक आता था वेस्ट बंगाल में बंगाली में, तो उसमें ये काफी अच्छी एक्ट्रेस का रोल की है, तो इसके लिए भी इन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें अच्छे खासे इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। सी वॉज क्रेडिटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग एन अल्टरनेटिव हिंदी थिएटर इन वेस्ट बंगाल इन 1970 एंड 1980। इन्होंने क्या किया कि 1970-80 के दशक में इन्होंने क्या किया कि अल्टरनेटिव हिंदी थिएटर का भी इन्होंने प्रचलन लाया वेस्ट बंगाल में। देखिए अब DRDO ने क्या किया, मोबाइल लेबोरेटरी इन्होंने चालू बनाया है COVID-19 सैंपल के लिए। तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो देखिए DRDO ने जो COVID-19 टेस्ट के लिए जो इन्होंने लेबोरेटरी बनाया है इसका उद्घाटन किया है अपने हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसका उद्घाटन किया, ठीक है। और ये जो है ये इंडिया का फर्स्ट COVID-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल लैब है जो लॉन्च किया गया है एज मोबाइल BSL-3 VRDL लैब, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको बनाया गया है मात्र कुछ दिनों में बनाया गया है, लगभग इसको बनाने में ऐसे तो बोला जाता है कि 3 से 4 महीने से ज़्यादा समय लगते हैं, लेकिन इसको 15 डेज में लगभग तैयार किया गया है, ठीक है। ये मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जो है ये डेवलप किया गया DRDO के द्वारा इन एसोसिएशन विद ESIC हॉस्पिटल हैदराबाद एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। MVRDL मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जो है ये कॉम्बिनेशन है BSL-3 एंड BSL-2 का, इस जो क्या करता है एसेंशियल एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है। इसमें कहा जाता है कि ये पर डे इस लेबोरेटरी में 1,000 से 2,000 सैंपल टेस्ट पर डे आपको टेस्ट किए जा सकते हैं, और इस लेबोरेटरी को इंडिया के किसी भी पार्ट में इसको ले जाया जा सकता है और मतलब इसको स्थापित किया जा सकता है यदि रिक्वायरमेंट हो तो।
ठीक है। और ये जो लैब है ये बना हुआ है, लैब बना हुआ है WHO और ICMR की गाइडलाइंस के, इंटरनेशनल गाइडलाइंस के सेफ्टी के तहत। इसमें क्या क्या है? इसमें है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है, लाइन है, टेलीफोन है, कैबलिंग टेलीफोन कैबलिंग है और CCTV कैमरा से लैस है। ठीक है। अब DRDO के जो चेयरमैन है वो कौन है? DRDO के जो चेयरमैन है जी संतीश रेड्डी हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि DRDO के जो चेयरमैन है वो कौन है? जी संतीश रेड्डी जी। ओके, आगे देखते हैं। CSIR ने भी डेवलप किया है एक टेस्टिंग किट जिसका नाम है फेलुडा टेस्टिंग किट। फेलुडा टेस्टिंग किट जो है ये नाम रखा गया है, ये पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए टेस्ट स्ट्रिप आते हैं उसी तरह से ये भी एक टेस्ट स्ट्रिप है जिसको नाम दिया गया है जो सत्यजीत राय की एक फिल्म थी फेलुडा उसी के ऊपर नाम दिया गया है, डिटेक्टर के थ्रू। ये एक डिटेक्टिव फिल्म के जैसे फिल्म है जिसके ऊपर सत्यजीत राय ने बनाया था, तो उसी के ऊपर इसका नाम दिया गया है जो कि कुछ ही मिनटों में ये इसका टेस्ट कर देगा। देखिए, तो ये जो फेलुडा टेस्ट स्ट्रिप है इसके दो साइंटिस्ट बंगाली साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर सौभिक मैती एंड डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती। इन्होंने क्या किया कि एट द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी इन दिल्ली, इन्होंने इस जगह पे इसका रिसर्च किया। और ये सिंपल पेपर बेस्ड, जैसे मैंने बताया कि पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप है जो कि कोविड टेस्टिंग कॉस्ट, जो कि कोविड-19 के लिए जो बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट लगते हैं, तो उसके कॉस्ट को ये रिड्यूस कर देगा। और रियल टाइम पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट है जो कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट पे जो कि काफी इजी है, और इसको टेस्ट कर कहीं भी लैब में ले जाकर उसको चेक कराया जा सकता है। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, देखिए इसके लिए जो कोविड-19 के लिए जो टेस्ट होता है वो रियल टाइम पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट होता है जो कि इसकी मशीन की जो रिसेंटली कॉस्ट है वो कई लाख रुपये होती हैं। और इसका एक प्राइवेट लैबोरेटरी में यदि आप टेस्ट कराते हैं, तो प्राइवेट लैबोरेटरी में टेस्ट कराते हैं तो लगभग एक टेस्ट के लिए 4,500 रुपये चार्ज किए जाते हैं। लेकिन जो फेलुडा टेस्ट किट है ये आपको कॉस्ट रिड्यूस कर देगा, कितना? पाँच कॉस्ट रिड्यूस करके कर देगा 500 रुपये तक। यानी समझ रहे हैं, 5/45 कर दें, 500/45, तो 1/9, 1/9 मतलब 11% कॉस्ट हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि आपका 89% कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्टेप है। CSIR के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है शेखर सी मांडे, और CSIR जो होता है वो आता है आपका कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके, तो आज के सेशन में अब हम लोग आ चुके हैं इम्पोर्टेंट डे एंड डेट्स ऑफ अप्रैल। तो पहले देखते हैं, 1 अप्रैल को अप्रैल फुल डे ऑब्जर्व किया जाता है, 4 अप्रैल को नेशनल माइंस अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है, 5 अप्रैल को नेशनल मैरिटाइम डे ऑब्जर्व किया जाता है, इवन 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, 10 अप्रैल को एक और डे मनाया जाता है शिवलिंग डे, ये यूएनओ द्वारा मनाया जाता है, और हम लोग जैसे रक्षाबंधन मनाते हैं वैसे हम लोग शिवलिंग डे मनाते हैं। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है, 12 अप्रैल को ईस्टर फेस्टिवल डे ऑब्जर्व किया जाता है, और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग मैसेकरे को याद करते हुए हम लोग शोक मनाते हैं इंडिया। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को मनाया जाता है, 17 अप्रैल वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया जाता है। हेमोफीलिया एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर डिजीज है जिसमें आपके हाथ कहीं से भी मतलब हाथ वगैरह कट जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड गिर जाते हैं शरीर से। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व मनाया जाता है, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है, इसके अलावा वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे एंड वर्ल्ड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे 23 अप्रैल को ही एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला था, #MyBookMyFriend, माई बुक माई फ्रेंड। ठीक है। तो माई 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 बुक माई फ्रेंड
ऐसे करके एक ट्रेंड चला था, माई बुक माई फ्रेंड, यस इस तरह का एक ट्रेंड चला था, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और नेक्स्ट देखते हैं, 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है, 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है, और 28 अप्रैल को आज ही वर्ल्ड वेटरनरी डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, और 38 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। यदि आपको किसी भी तरह की क्वारीज हो तो आप हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी classtubeplus@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, और जो भी आपकी क्वारीज हो उसे आप हमारे ईमेल आईडी classtubeplus@gmail.com पे सेंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।